हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आरडी बुटीक। आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम एक नया ब्लाउज डिज़ाइन बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहले गले की कटिंग को देखते हैं। तो ऊपर पहला निशान आएगा 2.25 इंच पर, जैसे, और उसके बाद नीचे जो गहराई का हम निशान लगाते हैं ये 10.25 इंच, 10.5 इंच तक जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद स्केल का उपयोग करेंगे, निशान यहाँ से सीधा लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी एक नाप ले लेंगे, जिसको हम 2.5 इंच का या फिर 2.75 इंच का इस तरह से नापेंगे, ठीक है, और उसके बाद इन निशानों को ऐसे मिला लेना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक शेप देना है हमें, तो ये मटका गले का शेप देंगे। देखिए किस प्रकार से बनता है मटका गला। यस। उसके बाद देखना है यहाँ पर एक निशान आएगा, ये इस तरह से 1.25 इंच की दूरी पे, और ये निशान आपका यहाँ से इस तरह से राउंड होकर के मिलेगा, यस, और ऊपर ये पूरा जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक निशान और लेंगे, ये भी 1.5 इंच की दूरी पे, ये इस तरह से, ठीक है, यस। और ये पूरा ऊपर तक जाएगा, गैपिंग 1.5 इंच की ही रहेगी। तो ये समझ में आया, गले की कटिंग के लिए मैं निशान लगाने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर समझाता हूँ, ताकि डिज़ाइन में किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। अब ये हो जाने के बाद ये इस निशान के ऊपर में जो हमारा गले का निशान है कटिंग करेंगे, ठीक है। नीचे हम यहाँ पे एक कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा, डिज़ाइन जिससे हमें करना है तो वो ये पीस है, ठीक है, ये इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके नीचे रखते हैं, बराबर जमाने के बाद सबसे पहले गले के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, अभी हमने जब कटिंग किया ना तो दोनों कपड़े कटिंग हुए हैं, ब्लाउज का पीछे पल्ला भी और डिज़ाइन के लिए जो कपड़ा हमने अभी नीचे रखा वो भी कटिंग किए। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी से कटिंग करेंगे, दूसरी लाइन पे आएंगे, इस वाली लाइन पे, तो यहाँ पर भी आपका कपड़ा और नीचे का डिज़ाइन वाला जो फैब्रिक है दोनों कटिंग होगा, ठीक है। इसके बाद अब ये जो लास्ट वाला लाइन है इस पे जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर केवल ऊपर वाला कपड़ा रेड वाला कटिंग होगा, ये देखिए। इसके बाद हम ये वाला पीस यहाँ से उठा देंगे और अब यहाँ पे निशान लगाते हैं, ये इस तरह से, जो भी कटिंग की है उसी के बिल्कुल नीचे नीचे, तो ये निशान लगाने के बाद अब ये ऊपर का कपड़ा उठा लेंगे और ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको 1.25 इंच दूरी से कटिंग करेंगे, ये ऐसा। ये हो गया। इसके बाद देखना, एक न्यूज़पेपर का हम यूज़ करेंगे और ये पीस देखना जो गले की कटिंग करने के बाद बीच से हमने निकाला था, ये यहाँ का पीस है, ठीक है, इसको हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर निशान लगाते हैं, ऐसे, उसके बाद ये इस कॉर्नर पे आके इधर पूरा निशान लगाना, ये हो गया। अभी इसको उठा करके हम कटिंग करते हैं।
तो पेपर डबल फोल्ड है तो ये दो पीस निकल जाएगा, ठीक है। नीचे साइड जब कटिंग करेंगे तो इधर भी हमें गैप छोड़ना है 1/4 इंच का और दूर से ही काटना है, गैस है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे, यस। तो ये देखिए डबल फोल्ड होने के कारण ये इस टाइप से कट करके निकला और ये कुछ इस टाइप से आएगा। इसके बाद सबसे पहला काम, जब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें पाइपिंग डालना है। ये जो पूरा शेप है इसमें डोरी वाली पाइपिंग लगेगी उस कपड़े से जिस कपड़े से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान है, पहले भी मैंने बहुत से वीडियोस बना रखे हैं डोरी पाइपिंग के ऊपर में, तो आप लोग उसे देखिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको उन वीडियोस से मिल जाएगा। अभी इसको करते हैं पूरा फिट, उसके बाद आगे देखेंगे। ये जो पाइपिंग हमने फिट किया उसके बाद ये कपड़ा फिट करना है, ठीक है। ये भी हमने कटिंग करके निकाला था, यस। सबसे पहले सेंटर बराबर से मिला लें और उसके बाद ये इस तरह से रख के अच्छे से जमा के यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ये वही न्यूज़पेपर है जिस पे हमने निशान लगा रखा है। तो इस पेपर के ऊपर में हम क्या करेंगे, ये कुछ पट्टियाँ फिट करनी हैं। ये पट्टियाँ आपको बना लेनी है, इसको बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जैसे ब्लाउज के पीछे आप डोरी लगाते हो ना, इसे उसी तरह की ये डोरी है, पट्टियों के रूप में यूज़ होगा। ये इस तरह से छोटे छोटे काट करके लगाने हैं, ये उसी तरह का डिज़ाइन बनेगा जो मैंने जाली वाला डिज़ाइन बताया है ऑलरेडी चैनल पे। अभी यहाँ पर देखना, जब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे तो अंदर वाले हिस्से पर भी हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत है। तो ये जो पाइपिंग है ना, यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरा पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें उरेप पट्टी भी लगाना है, यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। डोरी वाली पाइपिंग यहाँ पर भी यूज़ करना।
इतना करने के बाद लास्ट में हम यहाँ पर एक उरेप पट्टी फिट करेंगे जो कि उल्टी साइड से, और पूरा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह से हुआ। इसके बाद जो है हम नीचे जो पेपर है उसको निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से आएगा इसका फाइनल लुक। इसमें और भी डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे इन पट्टियों को हम सुई धागे से बांध सकते हैं, मोतियाँ लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सिर्फ यहीं तक बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा, डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।